होटल मुंबई की एक खास स्क्रीनिंग एक प्रीव्यू थिएटर में रखी गई, जिसे खुद हेमंत ओबेरॉय ने रखा था जो उस समय होटल ताज में मौजूद थे। यह फिल्म भी 26/11 के दौरान होटल ताज पर हुए हमले के ऊपर बनाई गई है। इस दौरान यहां आने वाले सितारों में रवीना टंडन, किम शर्मा, विवेक ओबेरॉय, लगे हाथ फिल्म से जुड़े हुए और भी सितारे यहां दिखाई दिए। एक एक करके हर एक सितारे ने फिल्म के बारे में बात की। बहुत जरूरी है कि वो जो जनरेशन्स हैं जो इसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं, इस फिल्म के ज़रिए उनको पता चलेगा कि किस दहशत समय से मुंबई और मुंबई कर हम मुंबई वासी गुजरे थे। सो आई थिंक इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि ऐसी फिल्में बने। आई एम वेरी यू नो, बहुत ही पॉइग्नेंट फीलिंग है। खुशी इस बात की है कि ऐसी फिल्में बन रही हैं जो लोगों में जागरूकता फैलाएंगी। दुख की बात यह है कि ये एक इट्स अ ट्रू स्टोरी। आई थिंक ये फिल्म उस इंसिडेंट को दोहराती है, और सलील जो मेरे दोस्त हैं जो इस फिल्म को पूरे हिंदुस्तान में प्रोड्यूस भी कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, आई थिंक उन्होंने इसी वजह से ये फिल्म में अपना इन्वॉल्वमेंट रखा, क्योंकि वो चाह रहे थे कि पूरी दुनिया को एक दिखाया जाए कि किस तरह से ये इंसिडेंट हुआ, और हमारी जो प्रतिक्रिया रही है इस पर एज अ कंट्री, वो क्यों ऐसी रही है। वेल, होटल मुंबई 26/11 के अटैक के ऊपर बनाई गई फिल्म है। अगर आप भी ये देखें तो हमें बताएं कि ये फिल्म आपके दिल को कितना छूती है।